A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to study a new chapter which name is The Making of a Scientist. And this particular chapter unfolds the fact about the celebrated scientist Richard E. Bright. Richard E. Bright, who is a very famous name in molecular biology. He born on 11th of June 1969. How he turned towards science, how he developed his interest in scientific field, we are going to study in this chapter. So let us start. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. Richard H. E. Bright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. 22 साल की उम्र में एक ऐसा व्यक्ति जिसको स्काउट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका था, पूरे वैज्ञानिक जगत को उसने हिला करके रख दिया जब वो अपनी नई थ्योरी के साथ लोगों के सामने आया, जिसमें बताया गया था कि जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट और उनके जो कॉलेज रूममेट थे, उन्होंने एक थ्योरी के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, जो कि एक आर्टिकल के फॉर्म में लिखी गई थी एक मैगजीन के अंदर, जिसका नाम था प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। देखिए, ये एक पहला ऐसा मौका था साइंटिफिक जर्नल के इतिहास में कि किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को साइंटिफिक मैगजीन के अंदर छापा गया था। ये ठीक इसी तरीके से था जैसे कि आप पहली बार बेसबॉल खेलें और पहली बॉल में ही आप होम रन कर दें। और रिचर्ड ई ब्राइट, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी साइंस के फील्ड में और दूसरे फील्ड में, ये उनके लिए एक बड़ा चांस था। और ये केवल शुरुआत किससे हुई? तितलियों से। एन ओनली चाइल्ड, ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. वो केवल अपने माता पिता के एकमात्र संतान थी। ई ब्राइट नॉर्थ के अंदर पैदा हुए, पेंसिल्वेनिया के अंदर, जहाँ पर रीडिंग का काफ़ी अच्छा कल्चर था। तो वो कहते हैं कि मेरे लिए वहाँ कुछ करने के लिए ज़्यादा था नहीं, मैं सर्टेनली फुटबॉल नहीं खेल सकता था और बेसबॉल नहीं खेल सकता था, क्योंकि मैं सिर्फ अकेला था तो मेरे पास कोई खेलने के लिए कोई साथी, कोई कंपेनियन था नहीं। तो एक चीज़ मैं अकेला कर सकता था बहुत अच्छे तरीके से, और वो था चीज़ों को कलेक्ट करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगनिंग इन किंडरगार्टन, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हीज एक्टिविटीज़। उन्होंने ऐसा किया, हमेशा उन्होंने ऐसा किया, और अपनी शुरुआत उन्होंने की किंडरगार्टन से। उसके बाद क्या होता है कि ई ब्राइट तितलियों को इकट्ठा करते हैं, या उन्होंने तितलियों को उसी सेम डिटर्मिनेशन के साथ में इकट्ठा किया जिस सेम डिटर्मिनेशन के साथ वो दूसरी एक्टिविटीज़ को करते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने रॉक, फॉसिल्स और कॉइन्स को भी इकट्ठा किया। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, वो एक एस्ट्रोनॉमर भी बन गए। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कभी कभी वो रात में तारों को निहारा करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटीरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। अब देखिए, उनकी मदर ने उनकी हर तरीके से हेल्प की अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। और क्या हुआ कि शुरुआत में उनकी जो ड्राइविंग क्यूरियोसिटी थी
वो उनके ब्राइट माइंड के साथ में चलती रही। और इस सब में जो उनकी मदर थी, उन्होंने भी उनको बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया उनके इंटरेस्ट को पढ़ाई लिखाई में सीखने में। और वो उनको ट्रिप पर लेके जाती थी, उनके लिए मतलब ई ब्राइट के लिए टेलीस्कोप ला कर दिया, माइक्रोस्कोप ला कर दिया, कैमराज ला कर दिए, माउंटिंग मटेरियल्स ला के दिए, और भी जितने इक्विपमेंट उनकी हेल्प कर सकते थे लर्निंग में, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने अपने बेटे को ला करके दी। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल, हिज मदर सेड। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। यानी कि बचपन का नाम, मतलब घर में उनको प्यार से रिची बुलाया जाता था, रिचर्ड को बचपन में घर में रिची बुलाया जाता था। और जब वो थर्ड ग्रेड के अंदर थे तो उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनकी मदर ने कहा, बताया कि जब तक उसने स्कूल जाना शुरू नहीं किया तब तक तो मैं ही उसके कंपेनियन के तौर पर थी, यानी कि एक साथी के तौर पर उसके साथ में थी। उसके बाद में मैं उसके दोस्तों को घर पर बुलाती थी, लेकिन रात में हम दूसरे तरह की चीज़ें करते थे, और रिची जो था मेरी पूरी ज़िंदगी था। यानी कि मैंने पति के मरने के बाद मेरा जो बेटा था उसके लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। शी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। अब देखिए मदर का कितना सपोर्ट रहता है बच्चे के प्रति, तो ये आप इस चीज़ से देख सकते हैं। तो उनकी मदर ने बताया कि क्या होता था कि उनकी जो मदर थी और वो, यानी कि रिचर्ड ई ब्राइट, शाम के समय डाइनिंग रूम पर अपना समय बिताते थे। तो उनकी माता जी बताती हैं कि कभी कभी जब वो कोई काम नहीं करता था तो मैं उसके लिए काम ढूंढ लेती थी, केवल फिजिकल वर्क नहीं, लर्निंग से संबंधित। तो और वो उसको पसंद करता था और वो उसको सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स, ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। इसका नतीजा भी आया कि उसने अपने टॉप ग्रेड के साथ में स्कूल में पास आउट किया। हर एक दिन वो जो चीज़ें थे उनको एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह वो उनके प्रति बिहेव करता था। बाई द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, ई ब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। अब क्या हुआ कि सेकेंड ग्रेड तक आते आते ई ब्राइट ने अपने होम टाउन के आसपास में जितनी भी 25 जो प्रजातियाँ थी बटरफ्लाई की, सबको इकट्ठा कर लिया। अब नीचे एक बॉक्स दिया गया है जिसमें उन सभी के नाम दिए गए हैं, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन। देर आर थ्री कैटेगरीज, सॉरी एक्चुअली देर आर थ्री टू फोर कैटेगरीज, गॉसमर विंग बटरफ्लाईज, स्नोट बटरफ्लाई, वुड निम्फ एंड सटायर्स, मोनार्क्स, वाइट्स एंड सल्फर्स, ब्रश फूटेड बटरफ्लाईज एंड सो ऑन। सो यू कैन सी द चार्ट। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. E. Bright कहते हैं कि मेरा butterfly करने का जो इकट्ठा करने का जो शौक था वो खत्म हो गया होता, लेकिन तभी मेरी मदर ने मुझे एक किताब ला करके दी, बच्चों से संबंधित किताब, जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। इसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाई थी वो माइग्रेट करके सेंट्रल अमेरिका आई, और इस तरीके से जो यंग कलेक्टर था, यानी कि जो ये यंग जो साइंटिस्ट था जो बटरफ्लाइज को इकट्ठा करता था, इसके सामने विज्ञान का एक कोतूहल खड़ा हो गया, कोतूहल से संबंधित दुनिया उसके सामने खुल गई। एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस, दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए ऑर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। ई ब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर
ओरकू हार्ट एंड सून ईब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स. एवरी वन हु फाउंड अ टैग बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर ओरकू हार्ट. अब क्या होता है कि किताब के अंत में रीडर्स को ये इनवाइट किया गया था कि वो बटरफ्लाईज के माइग्रेशन में को स्टडी करने में उनकी हेल्प करें. तो उनसे क्या कहा गया, जो रिसर्चर थे डॉक्टर फ्रेडरिक ए ओरकू हार्ट जो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा कि आप बटरफ्लाईज को टैग करें. तो ई ब्राइट और उनकी मदर ने डॉक्टर ओरकू हार्ट को लिखा और जल्दी ही ई ब्राइट जो लाइट एडहेसिव टैग्स थे उनको मोनार्क के पंखों के साथ टैग करने लगा. तो जब भी उसको कोई टैग जब भी किसी को टैग्ड बटरफ्लाई मिलती थी तो उसको वो जो टैग था डॉक्टर ओरकू हार्ट के पास भेजने के लिए उसको कहा जाता था. द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर. रीडिंग में यदि कि रीडिंग एक्चुअली इट्स द नेम ऑफ द प्लेस इन पेंसिल्वेनिया. तो ये जो कलेक्टिंग सीजन था बटरफ्लाई का ये रीडिंग में लगभग 6 हफ्तों तक रहा लेट समर तक. और इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी. अगर आप एक एक करके उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ पाओगे. सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ईब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लक ऑफ बटरफ्लाईज. तो अगला जो स्टेप था उनके लिए वो था बटरफ्लाई का झुंड था उसको पैदा करना, उसको पालना. ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ सर्कल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पॉपर टू एडल्ट बटरफ्लाई. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाईज विंग्स एंड लेट देम गो. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट. अब उन्होंने क्या किया इसके लिए कि वो कोई एक मोनार्क बटरफ्लाई फीमेल उसको कैच कर लेते थे, उसके अंडों को अपने बेसमेंट में पालते थे और उसका जो पूरा एक साइकिल था कि अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से पूपा और पूपा से जो एडल्ट बटरफ्लाई बनने का तक का जो पूरा साइकिल था ये उसको पूरा मॉनिटर करते थे और एक बार बटरफ्लाई बन जाने के बाद उसको टैग करके छोड़ देते थे. तो कई सालों तक उनका जो बेसमेंट है वो हंड्रेड्स ऑफ मोनार्क जो बटरफ्लाई थी डिफरेंट स्टेजेस में अपने डेवलपमेंट के वो उनका घर बन गई. अब ये एक चार्ट आपको दिया गया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाईज कलेक्टेड इन 6 वीक्स. नंबर और उनके प्रकार 6 हफ्तों के अंदर जो इकट्ठे की गई थी मोनार्क बटरफ्लाईज, ये उनका एक डेटा है. Eventually I began to lose interest in tagging butterflies. It is tedious and there is not much feedback. Ebright said, in all the time I did it, he laughed, only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 25 miles from where I lived. आखिरकार मेरा जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाई को टैग करने में वो मेरा मतलब खोना शुरू हो गया, खो गया. ये बड़ा बोरिंग था, टीडियस था और इसमें कोई ज़्यादा फीडबैक मिलता भी नहीं था. अब पूरे दिन क्या है मैं इसको करता था. और फिर वो हंसते हैं, कहते हैं कि केवल 2 बटरफ्लाई ऐसी थी कि जिनको मैंने टैग करके मतलब रिकैप्चर किया था और वो 27 जो मील था सॉरी 75 जो 75 माइल जो 75 माइल्स था वो मेरे घर से कुछ ज़्यादा दूर नहीं रहती थी. केवल एक जो छोटा सा मतलब दायरा था 75 माइल्स का उनके हिसाब से वो केवल उस दायरे में रहती थी और केवल अपनी टैग की हुई 2 ही बटरफ्लाईज को वो पकड़ पाए थे. सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट एंड वी विल कंटिन्यू द लाइफ जर्नी ऑफ रिचर्ड ईब्राइट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन थैंक यू वेरी मच.